देखो माय डियर स्टूडेंट, ये आज हम सिक्स क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो हम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है नोइंग ऑफ नंबर, यानी क्लास सिक्स, यानी नोइंग आवर नंबर संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें समझना है संख्या होता क्या है। जैसे मैंने लिखा सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर किसको होते हैं? जो दो के टेबल में आधा हो, राइट। अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी ओड नंबर। ध्यान देखो, यानी कि जो दो के टेबल में नहीं आए, जो दो के टेबल में नहीं आए। अब आते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ये होते हैं जो एक से चालू होते हैं, एक से, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अगला है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जो जीरो से चालू होते हैं, जीरो, एक, दो, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं भाज्य संख्या, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वो कहते हैं जो किसी टेबल में कट जाए, चार, छः, आठ, नौ, जो भी हो, है ना, चार, छः, आठ, इस तरह से। आभाज संख्या यानी प्राइम नंबर जो किसी टेबल में ना कटे, जैसे दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, इस तरह से। ठीक है, अब एक आता है सह अभाज्य, तो उसे बोलते हैं को प्राइम, जो सिर्फ एक होता है। जैसे मैंने लिखा दो और पांच लिखा मैंने, तो दो और पांच तो कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका हो जाएगा दो दूनी चार या एक, तो यानी ये आपका दो हो गया, एक से दो से कट गया, समझ गए। तो इसको बोलते हैं इस संख्या आपके हुई, क्लियर हो गया। तो यहां से क्लियर हो गया दोस्त, पक्का, ठीक है, थैंक यू। आगे देखिए, जो नहीं आएगा प्लीज आप हमारे चैनल का कमेंट करिए, जो नहीं को दिक्कत होगा हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पूर्णांक यानी इंटीजर, राइट। ये दो तरह का होता है, जीरो यहाँ प्लस में होते हैं, जैसे यहाँ प्लस एक दे दिया, यहाँ प्लस दो दे दिया, यहाँ माइनस एक, यहाँ माइनस दो, राइट। तो इस यानी दो तरह का होता है, एक होता है ऋणात्मक यानी निगेटिव, जैसे माइनस वन, माइनस टू, इस तरह से। दूसरा होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव यानी प्लस एक, प्लस दो, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट। आगे देखिए, अब आते हैं आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम यानी से होते हैं असेंडिंग ऑर्डर, राइट। जो कम को आगे लिखते हैं, जैसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से होते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब अगला आता है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कम को आगे, जैसे पांच, चार, तीन, दो, इसको बोलते हैं, राइट। क्लियर हो गया, समझ आया, पक्का, ओके। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं रोमन क्या होता है, उदाहरण समझो, जैसे एक का हो जाएगा एक, दो का हो जाएगा दो, तीन का हो जाएगा तीन, चार का हो जाएगा फोर,
अब 4 का हो जाएगा 5 इस तरह से 5 का फिर 6 का हो जाएगा और 7 का तो जानते ही हो 8 9 और 10 10 का ही हो गया राइट आइए 50 50 का होगा ए 100 का होगा डी सी 500 का होगा डी 1000 का होगा एम ठीक है अगर मैं लगा दिया जिसमें लिख दिया मैंने मान ली बाद लगा दिया कितना है 5 5 गुना 1000 कितना हो जाएगा 5000 बार का भी होता है इसको बार पढ़ते हैं बार बार का भी 1000 होता है बार का भी ऐसा होता है ठीक है अगर मानो कि एम पे आपने बार लगा दिया तो ये कितना है 1000 तो 1000 गुना 1000 तो कितना हो जाएगा 1 पर 60 समझ गए किलो हो गया किलो हो रहा है ना पक्का ठीक है अगला देखो नहीं आएगा तो पूछ लेना अगला है संयुक्त मान संयुक्त एस्टिमेट एस्टिमेट जैसे मैंने लिखा 7 तो किसके नजदीक में 10 में अगर मान लो लिखा मैंने 24 तो किसके नजदीक में 20 में क्योंकि 5 से कम है ना अगर यही होता 26 तो ये लगभग किसके 30 में क्योंकि उसके नजदीक में इसको देखा जाता है ठीक है ना अगर मैंने लिखा 59 तो किसके नजदीक में 60 के अगर मैंने लिखा 54 किसके नजदीक में 50 के समझ आ गया पक्का अगर मैं लिखा 112 किस नजदीक में 100 क्योंकि दो काम दे गया राइट अगर मैं लिख दिया 198 किस नजदीक में 200 अगर मैं लिख दिया 180 किस नजदीक में 200 160 किस नजदीक में 200 अगर लिखा 149 किसका 100 राइट समझ आ गया पक्का तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको क्वेश्चन इसमें आपके पेपर में आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आप और भी क्लियर हो आपको हो जाए जैसे मैं लिखा 512 राइट 512 तो क्या लिखो गया 500 प्लस 10 प्लस 2 तो 500 क्या हो जाएगा ए डी 500 डी होता है इसका हो जाएगा 10 इसका हो जाएगा 2 ये रूम ठीक तो इतना आपको मैंने वीडियो बताया इतना आपको वीडियो मैंने बताया और जब और बाकी आने वाले वीडियो को हम जरूर बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करें जब तक के लिए नमस्कार